मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 लिपिक अब्दुल कादिर फखरुद्दीन रजा के घर पर जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की। मंगलवार की देर शाम से शुरू हुई कार्रवाई बुधवार की देर शाम तक चलती रही। इस दौरान 1.5 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति के कागजात मिलने की लोकायुक्त के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में लांजी तहसील के कारंजा निवासी श्यामलाल मोरदेवे को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। मनरेगा में लगेगी मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी, कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश शासन की मुहिम, मोबाइल कनेक्टिविटी और नेटवर्क बन सकती है परेशानी। जिले के भीतर संचालित आदिवासी कल्याण विभाग के बैयर बिरसा परसवाड़ा ब्लॉक के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, अतिथियों के भरोसे संचालित हो रहे स्कूल। आदिवासी कल्याण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले हैं सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में नहीं है विशेषज्ञ शिक्षक, अतिथि के भरोसे चल रहा है स्कूल। खैरलांजी में एनएसयूआई छात्र संगठन ने महाविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर 6 अगस्त को तालाबंदी और चक्का जाम की दी चेतावनी। लालबरा जनपद पंचायत में हड़ताल कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के खंड पंचायत अधिकारी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। कोविड-19 उल्लंघन और शासकीय कार्य में परेशानी उत्पन्न करने की बताई परेशानी। वारासुनी के वार्ड नंबर 1 सम्राट नगर में 2 अगस्त को हुई थी गजेंद्र पांडे के घर में चोरी। घटना के आरोपी दुर्गेश नागोसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। लालबरा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा संगठन ने प्रदेश सरकार के लिए की सद्बुद्धि की प्रार्थना, सुंदरकांड का किया आयोजन। रक्षाबंधन के त्योहार करीब आने के बाद भी डाकघर में नहीं पहुंचा वाटरप्रूफ लिफाफे, राखी भेजने के लिए होगी परेशानी। लांजी तहसील के फोफसा के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बताई परेशानी। स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाने की मांग, आवारा तत्वों से स्कूल की सुरक्षा को बताया खतरा। अंबेडकर अनुयायियों ने विरोध स्वरूप लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृते को पहनाई कॉन्डोम की माला। शहर के अंबेडकर चौक में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल की घटना। भूमि स्वामी प्रॉपर्टी वोकर्स एसोसिएशन ने बैठक कर बनाई रणनीति, खसरा नक्शा जमीन की पंजी पुस्तिका बनवाने में हो रही परेशानियों को लेकर की गई चर्चा। बेरोजगार युवकों ने एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी से की ठगी की शिकायत, कंप्यूटर कोर्स के नाम पर लिए गए 17,000 रुपए, नहीं करवाए गए प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद नहीं मिला काम। आरपीएफ की टीम ने की कार्रवाई, रेलवे की टिकट बनाने के आरोप में रामपाली निवासी विजय राउत को किया गिरफ्तार।